मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर इंडिया की क्या क्या मसाले मिलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। यार तो अभी तो सवेरे के बज गए हैं 11 और मैं फिलहाल योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बेबी जो है ना, मेरा प्रैक्टिस देख के ये भी बड़ी खुश रही है, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे थक जाएगी। तो वैसे नाश्ता तो किया नहीं है आज, अभी सीधे हम लोग लंच करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं योगा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। बाबर कमा, यू कैन स्टार्ट ना दादू। दादू लिसिया बेबी, देखो इसकी मम्मा इसको कुछ खिला रही है। लिसिया खाओ बेटा, खाओ। ओके, अच्छे से खाओ, तभी अच्छे से हेल्थ बने रहेगी। ओके या हंसती भी गाइस। यार तो आज गाइस तो आज पूरा दिन जो है ना यहाँ पे घर पे ही थे, क्योंकि आज का मौसम जो है ना पूरा खराब है बाहर का। ठीक है, हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है और ठंडी भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कहीं गए नहीं, सीधे यहीं थे पूरे दिन घर में। बच्ची आराम से आज ज्यादा सोई है। लुसिया बेबी, लुसिया बेबी, अभी फिलहाल मैं बाहर जाने वाला हूँ अकेले। अकेले मुझे सुपर मार्केट जाना है। तो ओहो, देखो कितना खुश है ये। या बेबी लुसिया, से हेलो एवरीवन। जय राम जी कहो। जय राम जी, जय राम जी, राम जी, जय राम जी। बाय बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय। देखो हाथ हिला रही है, बाय बाय, बाय बाय लुसिया, बाय बाय। जाओ यार वैसे अभी यहाँ के शाम के 7 बज गए हैं, लेकिन अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो और ठंडी है अभी, एक यहाँ का तापमान है, टेम्परेचर है 1 डिग्री के आसपास। ओके, तो शाम तो हो गया है, अंधेरा होने वाला ही है। तो ये जो सुपर मार्केट यहीं पास में है, तो वहीं चलते हैं। ये सामने रेड लाइट है ना, देखो इसके पीछे कितने सारे अभी कार जो है लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि तो सब लोग अभी काम करके लौट रहे हैं ना, इसीलिए ट्रैफिक है थोड़ा। ये भाई मैं पहुंच गया यहाँ पे, वो मार्ट यहाँ अंदर है। ये यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलते हैं स्वीट चीज़ें। यहाँ पर चप्पल की दुकान है लेकिन अभी बंद है। तो ये रहा वो मार्ट अंदर। ये देखो भाई अंदर पहुंच गए, यहाँ पे फ्रूट लगे हुए हैं, स्ट्रॉबेरी है और इसको क्या बोलते हैं, अंगूर वगैरह हैं। यहाँ पे संतरे वगैरह हैं, संतरे का रेट देख रहे हो 4 RMB, मतलब 5 RMB के आसपास। तो ये पड़ जाएगा 50 रुपये का आधा केजी। यहाँ पे सेब हैं, सेब का देखो यहाँ पे सामने दिख रहा है 9 RMB के आसपास, मतलब ये पड़ जाएगा तुम्हारा 100 रुपये के आसपास आधा केजी का। एक चीज़ और, यहाँ पे जो केला जो है ना, केला केजी में मिलता है। हमारे यहाँ इंडिया में दर्जन में मिलता है, लेकिन यहाँ केजी में। तो यहाँ देख रहे हो छोटा वाला केला है, इसका आधा केजी का कितना है, 10 RMB, मतलब 100 आधा केजी का आसपास। यहाँ पे एक बड़ा वाला केला है, इसका है 5.38 RMB, मतलब ये पड़ जाएगा तुम्हारा 60 रुपये से ऊपर आधा केजी का। यहाँ पे अलग अलग हैं, ये देखो यहाँ पर अलग से और केले का दाम। ये यहाँ पे तरबूज है, तरबूज का प्राइस है 9.98 RMB, मतलब 10 RMB के आसपास। ये भी आधा केजी का पड़ जाएगा 100 रुपये के आसपास ऊपर। यहाँ पे पपीता भी है 5.98 RMB, मतलब 6 RMB। तो ये पड़ जाएगा तुम्हारा कितने हैं, 62 रुपये के आसपास आधा केजी का। ये यहाँ पर है पत्ता गोभी, ठीक है, पत्ता गोभी का प्राइस देख रहा है 0.99 RMB, ठीक है। तो समझो ये पड़ जाएगा आधा केजी का तुम्हारा
₹10 के आसपास, सस्ता है ये। यहाँ पे गोभी भी है, गोभी का है कितना है 3.98, मतलब 4 एमबी, मतलब ये पड़ जाएगा आधा केजी का, ₹40 के आसपास। ये गोभी ₹40 के आसपास, ब्रोकली भी है ₹50 के आसपास पड़ेगी। देखो बरबट्टी, ये बहुत महंगा है भाई बरबट्टी, ये वाला देख रहा 13-14 RMB के आसपास, ₹140 के आसपास पड़ेगा आधा केजी का। और यहाँ पे ऐसा वाला मशरूम भी मिलता है देखो, बहुत मोटा मोटा 5.98 RMB, ₹60 के आसपास आधा केजी का पड़ेगा। टमाटर का 2.98 RMB, मतलब ₹30 के आसपास आधा केजी का। यहाँ पर खीरा भी है, खीरा का 9.98 RMB, मतलब 100 के आसपास आधा केजी का। बैगन का है समझो 4.98 RMB, मतलब ये ₹50 के आसपास पड़ेगा आधा केजी का। ये बड़ा वाला गोल गोल बैगन, ये भी उसी रेट में है। यहाँ पे मूली भी है देखो, मूली के क्या रेट है 1.38 RMB, मतलब 14 रुपये के आसपास पड़ेगा आधा केजी का। स्वीट पोटैटो 2.58 RMB, मतलब ये पड़ेगा तुम्हारा 25 रुपये के आसपास आधा केजी का। ये गाजर है 1.68, मतलब 16 रुपये के आसपास आधा केजी का। प्याज का रेट है देखो 1.68 RMB, मतलब ये भी पड़ेगा 17 रुपये के आसपास आधा केजी का। और यहाँ पर है आलू 1.98 RMB, मतलब ये 20 रुपये के आसपास पड़ेगा आधा केजी का। यहाँ अलग अलग प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के चावल हैं। ये चावल का देख रहे हो आधा केजी का, ये है आधा केजी का पड़ेगा 32, मतलब 32-33 रुपये के आसपास आधा केजी का। ये वाला पड़ेगा 2.49, मतलब 24-25 रुपये के आसपास आधा केजी का। ये वाला पड़ेगा तुम्हारा 2.39, मतलब ये पड़ेगा 30 रुपये के आसपास आधा केजी का। ऐसा है, जैसे मैं यहाँ आया था ख़रीदने के लिए जीरा, आज मैंने घर में बनाया था, हमारा जो है इंडियन सब्जी बनाया था, तो जीरा नहीं था, तो बिना जीरा के बनाना पड़ा था, तो मुझे जीरा बनाना है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर इंडिया की क्या क्या मसाले मिलते हैं। यहाँ पर जो है ना, हल्दी नहीं मिलता, ठीक है, हल्दी नहीं मिलेगा। और धनिया तो मिल जाता है, पाउडर वाला धनिया मिलता है, वो वाला धनिया नहीं मिलता। और क्या नहीं मिलता, हल्दी मेन है, बाकी सब मिल जाता है, जीरा मिल जाता है, अदरक वगैरह सब मिल जाता है, लहसुन मिल जाता है, प्याज तो आपने देख ही लिया, वो सब मिल ही जाता है, सौंफ भी मिल जाता है, सौंफ, लौंग, इलायची भी मिल जाता है कहीं कहीं पे, ऐसा है। मेनली हल्दी नहीं मिलता, मिर्च भी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मसाले हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पे देख रहे हो रेड में, ये है मिर्च है, तो मिर्च तो मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे अलग प्रकार के और मसाले हैं, दालचीनी मसाले वगैरह सब मिल जाते हैं यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ पे और क्या क्या मसाले हैं। ये रहा जीरा, मैं इसके लिए आया था, ये जीरा हो गया। ये देख रहे हैं और क्या क्या है यहाँ पे, पेस्ट भी मिल जाता है, ये क्या पत्ता बोलते हैं इसको, ये भी मिल जाता है देखो। और बाकी चीज़ों के तो मुझे नाम नहीं पता, ये देख रहे हो यहाँ पे और भी कुछ हैं, इसके नाम मुझे नहीं पता यार क्या है। तो ये काली मिर्च भी यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर ऐसा वाला करी मिलता है, तो ये लोग डायरेक्ट इंडियन जैसे बना लेते हैं, ये वाला देख रहे ऐसा सामने देख रहे हो। यहाँ पे आटा भी मिल जाता है भाई, ये देखो। यहाँ पे एक चीज़ मैंने अभी तक नहीं देखा है, वो है बेसन। बेसन अभी तक नहीं देखा हूँ मैं, बेसन मैं कब से ढूंढ रहा था लेकिन वो नहीं मिला मुझे। सर आप लोग शायद पहले ही भी देख चुके हैं, यहाँ से मुझे एक चीज़ ख़रीदना है, योगर्ट जैसा चीज़ है वो, तो मुझे ख़रीदना है ये वाला। ये योगर्ट जैसा, इसका टेस्ट बड़ा मस्त रहता है, पीने में अच्छा लगता है। मैं एक चीज़ और ख़रीदता हूँ, मुझे ख़रीदना है एक मूंगफली, मूंगफली वाला एक पैकेट रहता है, वो बड़ा मस्त रहता है। ये देख रहे हो अभी चाइनीज़ न्यू ईयर आ रहा है, ये तो उसके उपलक्ष्य में लोगों ने बड़ा मस्त ऑफ़र वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो बड़ा गजब। ये जो है ना, सारे के सारे चीज़ें जो है अल्कोहल है, अल्कोहल है, बियर वगैरह है, सब चीज़ें हैं। यहाँ के लोग जब फेस्टिवल वगैरह आता है तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, एक है ना लिमिट में पीते हैं कुछ लोग, लेकिन हुड़दंग भी करते हैं, ऐसा भी रहता है इनका।
ये यहाँ पे है, ये वाला नट मुझे ख़रीदना है। कौन सा? ये वाला थोड़ा महंगा है। देखो ये है 15, समझो 16 RMB के आसपास। ये एक ही पैकेट पड़ जाएगा 160 रुपए के आसपास, बहुत महंगा है। तो चलो गाइस, मुझे जो ख़रीदना था ख़रीद ले यार, अब चलते हैं फिलहाल घर। तो मैं यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ अपना, खुद से यहाँ से मैं खुद से अपना कर सकता हूँ पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बस इसको स्कैन करना है, फिर हो जाएगा। तो ये देखो भाई, टोटल बना कितने का? तीन सामान का 35.60 RMB। मुझे इसको स्कैन करना था, स्कैन करते हैं, मेरे फ़ोन में आ गया देखो। चलो भाई कंप्लीट हो गया पेमेंट, अब चलते हैं। मेरे फादर एक बार आए थे यहाँ चाइना, 2019 में ही आए थे। तो ऐसे वाले जो सीढ़िया वाला नहीं रहता है, ऐसे चलने वाला मशीन वाला, तो उसमें वो लोग जो है ना आसानी से चल नहीं पाते थे। तो जानते हो कि गांव वाले लोग है ना, ये सब नया नया चीज़ होता है उन लोगों के लिए, तो चल नहीं पा रहे थे वो लोग, थोड़ा डरते थे। तो ऐसे होता है बड़ा गजब है, लेकिन थोड़े दिन में ठीक हो गए, फिर वो लोग चलना शुरू कर दिया आराम से। यार अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये देखो भाई इधर फिर से गाड़ी इकट्ठा हो रही है। सामने जो है ट्रैफिक लाइट है ना, देखो लोग जो है छत्ता लेकर भी निकले हैं, अभी बहुत हल्की बारिश हो रही है। चलो भाई फाइनली घर पहुंच गया, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। कमाना लुसिया लुसिया रे, देखो अभी अभी दूध पी है और अच्छे से अब खेल रही है। ओहो, देखो ये कैसे चला रही है बस को। ओ पापा कहो, पापा पापा पापा। हेलो दोस्तों, ये अभी खाने वाली ही है डिनर में, ये चीज माला थांग, इसको बोलते हैं माला थांग। ये मतलब है बोल सकते हैं इंस्टेंट माला थांग। यस ओके, चिली इसमें देख रहे हो क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इसमें, वेजिटेबल्स भी हैं इसमें, फीस भी है और नूडल्स भी हैं और मसाले वगैरह हैं। तो इसमें सभी के साथ जो है गर्म पानी डाल देंगे तो हो जाएगा। अब इसके अंदर डाल देंगे गर्म पानी एकदम खौलता हुआ। अब इसको बंद करके रखेंगे 6 से 8 मिनट के आसपास। ओके। उसके बाद वो अपने आप पक जाएगा। ये देखो भाई अपना ये खा रही है, कंप्लीट हो गया है। तो यार तो यहाँ तो अभी बजने वाले हैं 8:30, 8:30 नहीं यार 9 बजने वाले हैं, 20 मिनट बाकी है। तो आज तो मैंने डिनर किया ही नहीं क्योंकि आफ्टरनून में मैंने बहुत लेट किया था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, कहो बाय 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 बाय। देखो दोनों हाथ कर रहे, बाय 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 दोस्तों।